हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियो स्कूल मैथमेटिकल। आई एम कुलदीप शर्मा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अगला टॉपिक है उन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है जिनमें मल्टीप्लिकेशन हो चुकी होगी, यानी हम रूल पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पी की पावर एन। ठीक है, स्टेटमेंट इसका इस तरह से है, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, मान लो दिया गया है या पता है इसका लाप्लास एफ टी का, और हमसे लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी का लाप्लास पूछ रहा है, जहाँ एन कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, तब दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन और एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू पी। ठीक है, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री, एन आर एन इज एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स। इसके लिए क्वेश्चन एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना उठा लें। ये एक्सरसाइज है हमारी 3 और पेज नंबर है T28। एक्सरसाइज 3 पेज नंबर T28 का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ टी कितना दिया गया है मुझे, टी साइन हाइपरबोलिक एटी। मुझे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो एन की जगह कितना है वो 1 है, तो लाप्लास ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा अगर इसी का मैं यूज करूं, यानी लाप्लास ऑफ टी साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो एन की जगह 1 है तो माइनस 1 की पावर 1 एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, किसका, लाप्लास ऑफ एफ टी, अब एफ टी बन जाएगा नहीं ये, यानी साइन हाइपरबोलिक ए टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में किया हुआ है, शुरू की वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये जाएगा माइनस डी ओवर डी पी। साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका पी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें तो कितना हो जाएगा, ये ए तो बाहर आ जाएगा और इसका पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2p। ठीक है ना, क्योंकि इसकी पावर एक माइनस आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और ये पी इसका कितना हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, अरे पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर माइनस वन, एक पावर घट जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा और टू पी स्क्वायर का 2p और इसका 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और कोई ये देख लो, क्वेश्चन नंबर है इसका 7, काफी अच्छा क्वेश्चन है। टी लाप्लास निकालना है किसका, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन ई की पावर ए टी। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 था, एक्सरसाइज 3 का भी क्वेश्चन नंबर 3 था। अब करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, यानी लाप्लास निकालना टी की पावर एन ई की पावर ए टी का। ठीक है, तो यहाँ तो एन की जगह एन नहीं है, तो माइनस वन की पावर एन हो जाएगा और कितने बार डेरिवेटिव होगा, एन टाइम्स डेरिवेटिव होगा किसका, लाप्लास ऑफ ई की पावर एटी का। अब लाप्लास ऑफ ई की पावर एटी कितना होता है, ये होता है वन अपॉन पी माइनस एटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर एन, अगर इसको एक बार डेरिवेटिव करूं मैं कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन पी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव बाहर, एक बार डेरिवेटिव अंदर चला गया, अब एक और बार करो तो कितना हो जाएगा, माइनस वन की पावर ये कितना हो गया, माइनस वन और माइनस वन एन प्लस वन प्लस वन। ठीक है, एक बार और जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन पी माइनस ए का क्यूब, और बाहर कितने टाइम्स डेरिवेटिव रह जाएंगे, 2 टाइम्स,
दो बार अंदर जा चुका है ना डेरिवेटिव जी, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा। इसी प्रकार पैटर्न को फॉलो करते हुए जब n टाइम्स होगा तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर n प्लस n, और n टाइम्स में ये बन जाएगा फैक्टोरियल n, और p माइनस a की पावर कितना हो जाएगा, p माइनस a की पावर हो जाएगा n प्लस वन, ठीक है, और माइनस वन की पावर n प्लस n, टू एन, टू एन मतलब इवन, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बटे p माइनस a की पावर n प्लस वन, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।